हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीबिल स्कोर होता है, मान लीजिए कि आपने किसी भी एक बैंक से लोन लिया और किसी भी कारणवश मान लीजिए आप उस लोन को टाइम पे रीपे नहीं कर पाए, उस केस में जो आपका सीबिल स्कोर होता है वो एकदम से पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। उस केस में अब अगर आप किसी भी दूसरे बैंक को अप्रोच करते हैं तो वो जो दूसरा बैंक है वो आपको किसी भी हालत में लोन प्रोवाइड नहीं करता। अब ऐसे केस के अंदर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे हम अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस किस पैरामीटर पे सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। और मान लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो भी गया है तो उस केस में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि फिर से हम अपना सिबिल स्कोर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सके। इसके अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो को हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो सिबिल है इसका सारा प्रोसीजर होता क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो आप एक मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर बैंक में जाएगा और बैंक में जाकर के उसको जो है लोन अवेल हो जाएगा। अब लोन जो है अलग अलग तरीके से मिल सकता है। मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेते हैं या फिर एक केस मान लीजिए आप कार लोन लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो आपने लोन है वो बैड कौन सा किया है। देखो, लोन बैड करना मतलब अलग अलग तरीके से आप लोन को बैड कर सकते हैं। एक पहला तो है कि आपने लोन का पैसा एक रुपया भी वापस नहीं भरा, दूसरा है कि आपने बैंक के साथ सेटलमेंट कर ली है। अब इन सारी की सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि सिबिल को ठीक करने की बात, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि अपनी लाइफ में कभी भी सिबिल को खराब होने ही मत दीजिएगा। देखो, सिबिल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको जिंदगी में दोबारा अगर लोन लेना है तो आपका सिबिल हमेशा चेक होगा। अब जो सिबिल का प्रोसीजर है वो क्या है, देखो मान लीजिए आपका लोन चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपका लोन चल रहा है। मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का आपने पर्सनल लोन लिया, ठीक है। आपने इसमें से 10,000 रुपए बैंक को दिए ईएमआई की फॉर्म में और 90,000 जब आपका ड्यू पड़ा था तो आपने पैसा भरना बंद कर दिया। बैंक वालों ने आपको बार बार अप्रोच किया, कॉल किए, घर पे विजिट करी, लेकिन आपने पैसा नहीं भरा। तो इस केस में क्या होगा, बैंक इसको घोषित कर देगा एनपीए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ये पैसा बैंक का डूब चुका है। अब इस केस में क्या होगा कि ठीक है, बैंक आपसे रिकवर करना बंद कर देगा, लेकिन बैंक किसको रिपोर्ट भेजेगा, ये सिबिल को, ठीक है। जब सिबिल में रिपोर्ट ये जाएगी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई में ही आप लोन नहीं ले सकते। अब आपने सोचा कि ठीक है, मैं अप्रोच करता हूं एचडीएफसी बैंक को लोन लेने के लिए। कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी सिबिल से रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है। आपने पैन कार्ड दे रखा होगा तो आपका सब कुछ सारा का सारा डाटा खराब हो गया, ठीक है। एचडीएफसी चेक करेगा कि आपने पहले ऑलरेडी एसबीआई का लोन डिफॉल्ट किया हुआ है, तो इस केस में आपको वो क्लियरली डिनाई कर देगा कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता। इस तरह आप किसी भी बैंक को अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो आपको डिनाई कर देगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर इस सिबिल रिपोर्ट को ठीक कैसे किया जाए। देखो, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, देखो मैंने यहां दो केस लिए। पहला केस ऐसा है कि उन लोगों को दिक्कत आ रही है कि जिन्होंने पास्ट में कभी कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया और उनको भी लोन लेने में दिक्कत आ रही है। यानी ऐसा पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पास्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया किसी भी बैंक के साथ, वो पहला लोन लेना चाह रहा है अपनी जिंदगी का, लेकिन उसको लोन लेने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी जगह हम ये एनालाइज करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कहीं ना कहीं पहले डिफॉल्ट किया है और उस डिफॉल्ट की वजह से उसको आज लोन लेने में दोबारा दिक्कत आ रही है किसी भी और दूसरे बैंक से, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस जगह की बात करूं कि ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में पहली बार लोन लेना चाह रहा है और उसका सिबिल स्कोर कमजोर है। देखो, सिबिल कमजोर ऐसे व्यक्ति का कब होगा, जब उसकी लो इनकम होगी, ठीक है, उसके अकाउंट में चर्निंग कम होगी। चर्निंग मतलब, देखो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पैसा रखो। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उस बैंक में आप सेविंग अकाउंट खोलो और उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा रखो। तो इससे क्या होगा कि आपकी चर्निंग बढ़ेगी, आपकी मैप बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे इजीली आपको जो है, जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है वो बढ़ेगी, तो लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद अगर मान लो एक बार ऐसे पर्सनैलिटीज को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसने पहली बार लोन ले लिया, ठीक है, अभी लोन मिल गया, तो उसको सिविल अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने पैसे भर दो। मान लीजिए एक तारीख को आपकी ईएमआई कटती है तो हमेशा 30 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा होना ही होना चाहिए, कोई भी चेक बाउंस नहीं हो, कोई भी ईएमआई लेट नहीं भरी जाए, भले दो दिन पहले पैसा भर दो लेकिन टाइम टू टाइम ईएमआई भरो। दूसरा क्या है कि देखो एक होता है अगर मान लीजिए आपने सीसी ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो उसमें एक 30% का फॉर्मूला होता है। 30% फॉर्मूले में क्या है, मान लीजिए आपकी लिमिट 1,00,000 रुपए की है क्रेडिट कार्ड में, तो हमेशा 30,000 रुपए तक ही यूज करो और उसको टाइम टू टाइम रीपे कर दो। ये होता है 30% का फॉर्मूला। तो ऐसा करने से हमेशा आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक केस आता है कि मान लीजिए आप लोन के लिए गए, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार लोन ले रहे हैं और मान लीजिए वो लोन के लिए गए एसबीआई में, ठीक है, और उनकी फाइल हो गई रिजेक्ट, तो ऐसे केस में बहुत लोग क्या करते हैं, वो फटाफट फिर वो अप्रोच करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को, फिर वो अप्रोच करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, फिर वो अप्रोच करेंगे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को। अब एक जगह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी जगह से भी रिजेक्ट होएंगी, तो पहले उस कारण को देखो। जैसे कि मैंने बताया कि आप मैप को मेंटेन करिए, मैप क्या है कि आप अपने अकाउंट में पैसा ज्यादा रखिए, चर्निंग ज्यादा करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले पेशेंस करिए, ऐसा नहीं कि आपने इधर फाइल रिजेक्ट होगी तो इधर दे दी, इधर दे दी, इधर दे दी, आप इससे अपना सिविल स्कोर और ज्यादा खराब कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अपने पास मत रखिए, ठीक है, इससे भी एक जो है आपके सिविल स्कोर पे इंपैक्ट होता है। अपनी जरूरत के अनुसार एक या दो ही क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो एक लोन लेना चाहता है, ठीक है, तो बैंक हमेशा बोलता है कि आप बैंक को एक गारंटर की जरूरत है, ठीक है, उस केस में कभी भी अपने दोस्त का गारंटर मत बनिए। रीजन क्या है, अगर मान लीजिए आपके दोस्त ने कल को चल के उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया और पैसा बैंकर नहीं भरा, तो उस केस में गारंटर का भी सिविल स्कोर इंपैक्ट होता है। तो कभी भी गारंटर इतनी आसानी से किसी का मत बनिए, हमेशा अपने सिर्फ रिलेटिव्स का बनिए, वो भी अपने क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, जो सगे खून है उन्हीं का ही आप गारंटर बनिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बोरोवर का सिविल खराब हुआ या बोरोवर ने कल को डिफॉल्ट किया तो गारंटर का भी सिविल खराब होगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जो ऑलरेडी पास्ट हिस्ट्री में अपना सिबिल खराब कर चुका है, यानी कोई ना कोई लोन जो है वो बैड लोन बना चुका है, ठीक है, उस केस में उसको अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करना चाहिए। देखो सिबिल स्कोर जो है ना वो 300 से लेकर के 900 की रेंज तक वेरी करता है, ठीक है। 300 जो है लोएस्ट सिबिल स्कोर है, वेयर एज 900 जो है हाईएस्ट सिबिल स्कोर है। अब उस केस में मान लीजिए आपने एक बैड लोन कर दिया, मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया 1,00,000 रुपए का, बैंक को आपने रीपे नहीं किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, पर सबसे पहले अब ये किसी भी मजबूरी, हो सकता है किसी की नौकरी चली गई, हो सकता है घर में तंगी हो, या किसी भी कारणवश आपने पैसा नहीं भरा, सबसे पहले सिबिल इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला काम तो पेशेंस रखना होगा, यानी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आप किसी भी दूसरे बैंक में अप्लाई मत करिए। अब उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर क्या करना होगा कि अब सबसे पहले आप बैंक डिसाइड करिए कि आपको कौन से बैंक के अंदर आप दोबारा से लोन लेना है। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एचडीएफसी बैंक में अब लोन लूंगा, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफॉल्ट किया और सेकंड टाइम आपने सोचा मैं एचडीएफसी बैंक से लोन लूंगा, सबसे पहले तो आप वहां पे सेविंग अकाउंट खोलेंगे और उस सेविंग अकाउंट के अंदर अच्छा खासा सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस रखेंगे ताकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बैंक को पता लगे कि अब आप मान लीजिए एक तो आपने डिफॉल्ट किया, उसके बाद एचडीएफसी में आप लोन लेना चाहते हैं और उस अकाउंट में सेविंग अकाउंट में आप रखते ही सिर्फ 1,000 रुपए, तो ऐसे केस में तो बैंक कहेगा ना कि पहले ही ये कंगाल आदमी है और उसके बाद अभी भी अकाउंट में 1,000 रुपए रख रहा है, तो आपको उस केस में कैसे लोन प्रोवाइड करेगा। तो आपको चर्निंग अच्छी रखनी है, सबकी आपको जो है उस अकाउंट में पैसा ज्यादा रखना ही रखना है, ठीक है। एक बार चर्निंग अगर हो गई तो उस केस में अब तीसरा ऑप्शन क्या आता है, लोन अगेंस्ट एफडी हम ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन की तरफ जाएंगे। लोन अगेंस्ट एफडी का क्या मतलब है, देखो पहले आपने पर्सनल लोन लिया तो बैंक ने आपको ट्रस्ट करके डायरेक्ट लोन पकड़ा दिया, ठीक है, आपके कोई कोलेटरल नहीं रखी, कुछ भी चीज आपकी गिरवी नहीं रखी, डायरेक्ट लोन दे दिया आपने आपको एसबीआई ने और वो आपने डिफॉल्ट कर दिया। लोन अगेंस्ट एफडी का क्या मतलब है कि आप मान लीजिए 1,00,000 रुपए की एफडी कराएंगे बैंक में, ठीक है, उसके अगेंस्ट यानी उस 1,00,000 रुपए की एफडी पे बैंक आपको ब्याज देगा लेकिन वो अपने पास गिरवी रख लेगा, गिरवी रख लेगा और उसके अगेंस्ट में मान लीजिए 90,000 रुपए आपको लोन की फॉर्म में दे देगा। तो ये होता है लोन अगेंस्ट एफडी की, लोन भी हो गया, कल को अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो 1,00,000 रुपए की एफडी तो आपके पास बैंक की गिरवी, बैंक के पास आपकी एफडी गिरवी पड़ी ही है,
तो इस तरह का हम लोन एक बार लेंगे बैंक से, यानी लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही एफडी के अगेंस्ट में ही एफडी के भी रख के हम क्रेडिट कार्ड भी इशू करा सकते हैं। तो इस तरह का हम एक बार लोन लेंगे और इससे क्या होगा, एक बार हमारा सिबिल स्कोर इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम किसको अप्रोच करेंगे, देखो जब भी आप अप्रोच करो ना, जब ये आप मान लिया आपने एक साल ऐसा जो लोन आपने एक बार चलाया, ठीक है, इस केस में क्या होगा ना कि जो भी आपका स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर आप जो भी लोन लेना चाहते हैं, कार लोन या ऑटो लोन, जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, उस केस में फिर आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं कि आपका सिबिल स्कोर जो स्कोर है वो आपने जो सिक्योर लोन लिए उसकी वजह से सिबिल स्कोर इंक्रीज हुआ है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप लोन लेना चाहते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आपने एक बार बैड लोन कर दिया ना, तो जब आप दूसरी बार लोन लेने जाएंगे ना, हमेशा ऐसे बैंक को अप्रोच करिए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैंकिंग करते हैं, ठीक है। मैं यहां बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एग्रेसिव बैंकिंग से मेरा मतलब यह है कि वो बहुत बहुत बैंक होते हैं, वो एग्रेसिव बैंकिंग में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जितने भी सरकारी बैंक है वो एग्रेसिव बैंकिंग ज्यादा नहीं करते हैं, वो आपका सिबिल चेक करेंगे फिर ही आपको लोन देंगे। तो एग्रेसिव बैंकिंग जो भी बैंक करता है ना, उसी बैंक को आप एक बार अप्रोच करिए। वैसे एग्रेसिव बैंकिंग की बात करें तो जितनी भी एनबीएफसीज है ना, ये भी सब एग्रेसिव बैंकिंग करती है, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैंकिंग करती है, ठीक है। तो उसके बाद आप अप्रोच हमेशा उन्हीं बैंक को करिए, पहले सिक्योर लोन लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली थोड़ा टाइम उसके अंदर टाइम टू टाइम रीपेमेंट करिए, फिर ही डायरेक्टली आप जो आप लोन लेना चाहते हैं उस लोन के लिए अवेल करें, ठीक है। वेल, उसके अलावा ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एक प्रोसीजर ही है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी और लोन मिल जाएंगे, ये एक प्रोसेस है कि आप इसके थ्रू जा सकते हैं। वेल, उसके अलावा कभी भी सिबिल को खराब तो करना ही नहीं है, टाइम टू टाइम हमेशा अपनी रीपेमेंट करनी ही करनी है। अगर इन केस किसी भी मजबूरी से हो जाता है खराब, तो ये एक पाथ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी ही 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया हुआ है, तो उस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपका डिफॉल्ट ही इतना बड़ा है। लेकिन अगर आपने कुछ मिनिमल अमाउंट डिफॉल्ट किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए तक डिफॉल्ट किया है, उस केस को सुधारा जा सकता है 1 लाख 2 लाख तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपका डिफॉल्ट ही इतना बड़ा है, उस केस में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो आपकी अमाउंट के ऊपर, मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए डिफॉल्ट करें, तो उस केस में ठीक है उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, उसने बैंक के साथ सेटलमेंट की होगी कभी ना कभी, तो वो उस केस में ऐसे केसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं इस प्रोसीजर के साथ। तो डिफॉल्ट कितना बड़ा है वो भी वेरी करता है। वेल, अभी ये जो एनालिसिस था, आई होप कि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।